आप देख रहे हैं जेके रियल न्यूज और मैं आपके साथ तालिब। 4 मई 2024, आइए जानते हैं आज की खास खास सुर्खियां। बीजेपी पूरी ताकत के साथ हुकूमत बनाएगी, अरविंद राणा। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर अरविंद राणा ने जुमा के रोज कहा कि इस वक्त पूरे मुल्क में मोदी की लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तीसरी मर्तबा मरकज में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। अरविंद राणा ने दावा किया कि असेंबली इंतखाबात में वादी कश्मीर में भी कानून का फूल खिलेगा। इन बातों का इजहार मासूफ ने कुपवाड़ा में नामा निगारों से बातचीत के दौरान किया। कश्मीर में इंतखाबात के लिए तैयारियां जोरों पर हैं, पीके पोले। लद्दाख लोकसभा सीट हाजी हनीफ और सज्जाद करगली ने कागजात नामजदगी जमा किए। कुलगाम में दिलदोज सड़क हादसा, 2 सगे भाई लुकमाए अजल। जनूबी कश्मीर के कुलगाम में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर वाका खडवानी कुलगाम इलाके में जुमा को एक गाड़ी की टक्कर की जद में 2 सगे भाई लुकमाए अजल बन गए। पुलिस राय ने बताया कि स्कूटी पर सवार 2 अफराद नामालूम गाड़ी की जद में आकर हलाक हो गए। रजौरी में मफरूर मिलिटेंट की जायदाद करक SIA। पहुंच में मशकूक अफराद की नकलो हमल के बाद तलाशी कार्रवाई शुरू। सरहदी जिला पहुंच के मोहल्ला जर्नेली वार्ड नंबर 17 खालसा चौक में जुमा के रोज मशकूक अफराद की नकलो हमल की अतलाह के बाद जिला पुलिस SOG और दिगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की। तहम दौरान सर्च ऑपरेशन कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इस सिलसिला में आखिरी अतलाह मिलने तक सर्च ऑपरेशन जारी था। इलाका में नसब CCTV कैमरों को खंगारा जा रहा था। पुलिस जराये ने बताया कि इलाके में 2 मुश्तबा अफराद की मौजूदगी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने तलाशी मुहिम शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने इलाके में मुश्तबा अफराद को देखा, जिसके बाद पुलिस को इतला दी गई। पुलिस दीगर हिफाजती एजेंसियों ने फौरी तौर पर सूरत हाल को संभाला और इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।